हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पंजी रसगुल्ले, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। रसगुल्ले सभी को बहुत पसंद होते हैं, बड़े हों या बच्चे हों, रसगुल्ले सभी बड़े चाव से खाते हैं। इसे बनाने के लिए एक ख़ास ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि रसगुल्ले बहुत स्पंजी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। रसगुल्ले बनाते टाइम हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमें पनीर को बहुत ज़्यादा मैश करना है, जिससे वो एकदम स्मूथ हो जाए तो हमारे रसगुल्ले फटते नहीं हैं। और पनीर बनाते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उसका बहुत ज़्यादा टाइट से नहीं निचोड़ना है, क्योंकि अगर उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा और तो पनीर बहुत ड्राई हो जाएगा, जिससे हमें रसगुल्ले बाइंड करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको लटका के रखना है, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि रसगुल्ले कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसको अच्छे से उबाल लेते हैं। दूध अब उबल चुका है, तो हम गैस बंद कर देते हैं और दूध को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी ऐसे ही थोड़ी सी देर ठंडा होने देती हूँ। फिर हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे। ये दूध अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसमें ये 2 नींबू का रस है ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 चम्मच सिरका डाल के भी आप दूध को फाड़ सकते हैं। इसको से हिलाते रहिए जब तक दूध अच्छे से फट ना जाए। ये देखिए, ये दूध अच्छे से फट चुका है, दूध का पानी अलग हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको छान लेते हैं। ये दूध को छानने के लिए मैंने एक छलनी का यूज़ किया है। इस छलनी के ऊपर एक पतला कपड़ा बिछा देती हूँ मैं, जिससे कि सारा पनीर इसी में रह जाए, और इसको अच्छे से छान लेते हैं। अब इसमें ऊपर से मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, जिससे कि नींबू के रस का टेस्ट निकल जाए। अगर आप सिरका डालते हैं तो सिरके का टेस्ट निकल जाए और हमारा पनीर एकदम फ्रेश लगे। इसमें से पानी निकालने के लिए इसको अब आप 15 या 20 मिनट के लिए अच्छे से बांध के और सारा पानी हम निकाल देंगे। पनीर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम बांध के लटका देते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए, ये पनीर तैयार हो चुका है। इसको ऐसे मैश कर लेते हैं। अब हमें हथेली के इस पार्ट से इसको मैश करना है अच्छे से। तब तक मैश करना है इसको जब तक कि ये एकदम चिकना ना हो जाए। तब तक हम इसको ऐसे ही मैश करते रहेंगे। ये मुझे 5 मिनट हो गई है, मैं इसको अच्छे से मसलते हुए 5 मिनट बाद ये एक स्मूथ डो बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह पे,
और सूजी भी डाल सकते हैं, मैदा या फिर सूजी, कॉर्नफ्लोर डालने से ये रसगुल्ले अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो फटते भी नहीं हैं, इसलिए इसको अच्छे से मैश करेंगे फिर से। देखिए ये कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो गया है, ये मैंने एकदम इसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है। जितना ज़्यादा हम इसको ऐसे स्मूथ करेंगे हमारे रसगुल्ले उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे, अगर ये डो स्मूथ नहीं होगा तो रसगुल्ले फट सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसमें रसगुल्ले फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रसगुल्ले को बाइंड करने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देते हैं। अब हम इसके छोटे साइज़ के बॉल्स बना लेते हैं, ये हमें बड़े बॉल्स नहीं बनाने हैं क्योंकि रसगुल्ले पकने के बाद में और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़े से छोटे साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए ये एकदम ऐसे ही हमें गोल गोल रसगुल्ले बनाने हैं, क्रैक फ्री, ऐसे करके एक एक करके सारे रसगुल्ले तैयार करते हैं। इसका साइज़ ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, इसी साइज़ में हम तैयार करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रोल करेंगे। ये देखिए सारे पनीर बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने ये इसमें 2 गिलास पानी डाला है, इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। पानी उबल चुका है, इसमें अब मैं चीनी डाल रही हूँ, ये मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें पनीर बॉल्स डाल देते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद एक बार हम इसको ढक्कन हटाकर रसगुल्लों को ऐसे पलट देते हैं। ध्यान रखिए मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम मैंने नहीं की है। ये सारे रसगुल्ले एक बार मैंने पलट दिए हैं, 5 मिनट और पकाते हैं इसको। 10 मिनट हो चुके हैं तो एक बार रसगुल्ले चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये रसगुल्ले कितने फूल गए हैं, कितने साइज़ में बड़े हो गए हैं। अब रसगुल्ले बनकर एकदम तैयार हैं, ये देखिए कोई भी रसगुल्ला फटा भी नहीं है। और आप एक बार ये साइज़ देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया है इसका फूल करके। गैस बंद कर देते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। ये हमारे रसगुल्ले अब थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये हमारे सॉफ्ट एंड स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा केसर से डेकोरेट कर देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। ये देखिए तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगे हैं। और ये घर के बने स्पंजी रसगुल्ले बहुत टेस्टी हैं,
तो एक बार आप इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।